हेलो स्टूडेंट्स हम लोग आज करेंगे ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन वैसे तो ग्राफ्स की एक बेसिक थ्योरी होती है जो हम लोगों को कहीं पे भी अप्लाई करें तो सिमिलर टाइप के रिजल्ट आएंगे तो उसका जो किसी भी टाइप का मोशन हो आपको बेसिक तो वही यूज करना है और वो बेसिक्स ये हैं कि पोजिशन टाइम की स्लोप विलासटी होती है विलासटी टाइम की स्लोप एक्सलरेशन होता है वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है और एक्सेलेरेशन टाइम एटी कर्व का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है और बाकी इन्हीं चारों को आपको घुमा फिरा के लगाना होता है तो इनको हम तीन टाइप के मोशन में लगाएंगे यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन वेराबली एक्सेलेरेटेड मोशन में ये जो चार हमने अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस की थी यही हमें लगानी है तो अगर हम पहले यूनिफॉर्म मोशन पे आए यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म होता है मतलब पार्किल यूनिफॉर्म स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलता जा रहा है तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं अगर एक पार्किल उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चला जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन है वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सलरेशन तो जीरो है वैसे मोशन में जब पार्किल उसी स्पीड से चलता जा रहा है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है स्पीड भी कांस्टेंट है डायरेक्शन भी कांस्टेंट है सेम लाइन सेम डायरेक्शन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी सेम है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम है और इंस्टेंटेनियस भी वही है अच्छा एक्सेलरेशन जीरो क्योंकि कभी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो अगर पार्टिकल का वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं हुई एक्सेलरेशन जीरो है तो तो सबसे आसान है सबसे पहले तो एटी तो बना लेते हैं एक्सेलरेशन जीरो है तो टाइम एक्सिस पे दिखाना है है ये देखिए टाइम टाइम एक्सिस एक्सिस पे पे दिखाया इसलिए दिखाया है क्योंकि एक्सेलरेशन लगातार जीरो है थ्रू आउट जीरो है तो ए टी कर्व तो खत्म हो गया एक्सेलरेशन को जीरो दिखाना है अब आते हैं वीटी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अब वेलोसिटी विलोस्टिक स्ट्रेट लाइन में या तो राइट वर्ड होगी या तो लेफ्ट वर्ड होगी राइट right है तो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट लेफ्ट है तो निगेटिव कॉन्स्ट कन्वेंशन है हम लेफ्ट को पॉजिटिव राइट right को निगेटिव मान सकते हैं बट या तो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट या तो नेगेटिव कॉन्स्टेंट तो वेलोसिटी बनाते वक्त दो ऑप्शन है ये ग्राफ आपको दिख रहा है या तो आप पॉजिटिव कॉन्स्टेंट बना दो या तो आप नेगेटिव कॉन्स्टेंट बना दो ये वाला पॉजिटिव कॉन्स्टेंट और ये नीचे वाला नेगेटिव कॉन्स्टेंट ऊपर वाला पॉजिटिव कॉन्स्टेंटें तो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट या नेगेटिव कॉन्स्टेंट ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो देखिए टाइम एक्सिस के पैरेलल दिखाना है पिछले बार जीरो दिखाया था इस बार पैलल दिखा रहे हैं

एक्स का टी के साथ ग्राफ बनाऊं तो देखिए एक्स का टी के साथ ग्राफ जब बनेगा तो ये एक्स का टाइम के साथ लीनियर रिलेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्सप्रेस सी की तरह जहां पे एम का, का काम वी कर रहा है एक्स का, का काम टी कर रहा है और सी का, का काम एक्स नॉट कर रहा है और वाई का, का काम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फाइनल पोजिशन है तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स टी ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ये स्ट्रेट लाइन 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 बनेगा कैसी स्ट्रेट लाइन बनेगी तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है एक तो स्लोप पे और एक इंटरसेप्ट पे। तो अगर स्लोप स्लोप है कर्व की विलोसिटी कर्व की स्लोप क्या है, है तो अगर स्लोप पॉजिटिव है यानी कि विलोसटी पॉजिटिव है ये वाला केस है वाला, तो ये बनी स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप पॉजिटिव है

स्लोप और इंटरसेप्ट यानी कि वेलोसिटी और इनिशियल पोजिशन देख के हम वो ग्राफ बना सकते हैं आई होप कि आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशन के ए टी वीटी एक्सटी एक्सलेशन टाइम वेलोसिटी टाइम और पोजिशन टाइम कर बनाना